अमित कुमार और कुमार शानू ये नाम किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। वे उन कुछ गायकों में से हैं जिन्होंने अपनी बेहद प्रभावशाली और शानदार आवाज से अपने अपने समय में हिंदी सिनेमा पर राज किया है। लीजेंड किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने 70 के दशक के मध्य में अपना करियर शुरू किया और 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में अनिल कपूर की आवाज बन गए। जबकि कुमार शानू ने कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद 1990 की म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर आशिकी से फिल्म उद्योग में तूफान ला दिया। दोनों गायक 90 के दशक में समान संख्या में प्रशंसक अनुयायियों के साथ हिट दे रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में फैन फॉलोअर्स होने के बावजूद अमित कुमार और कुमार शानू ने एक साथ सिर्फ एक ही गाना क्यों गाया, यह आज तक हर संगीत प्रेमी के लिए एक सवाल बना हुआ है। 90 के दशक के दौरान जब दोनों गायक बैक टू बैक हिट के साथ पूरे देश में छाए हुए थे, उस समय के दौरान एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अमित कुमार और कुमार शानू ने अपने करियर में पहली बार फिल्म के दो मुख्य अभिनेताओं के लिए एक गाने में प्लेबैक दिया था। गाना कौन सा था और फिल्म कौन सी थी, हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। अमित कुमार और कुमार शानू ने कई बार अलग अलग स्टेज शो और टेलीविजन शोज में एक साथ मंच साझा किया है और ऐसी कुछ फिल्में हैं जहां अमित कुमार और कुमार शानू ने एक ही गाने के दो अलग अलग वर्जन्स गाए हैं। ऐसा ही एक गाना था साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म इम्तिहान का गाना था। इस तरह आशिकी का पहला वर्जन कुमार शानू का था। जिस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, और दूसरा वर्जन अमित कुमार ने गाया था। जिस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। एक और फिल्म जहां अमित कुमार और कुमार शानू ने एक ही गाने का अलग अलग संस्करण गाया था वह 1996 में रिलीज हुई फिल्म सपूत से थी। गाना था काजल काजल तेरी आंखों का ये काजल, जिसे अमित कुमार और आशा भोंसले जी ने गाया था। यही गाना कुमार शानू और साधना सरगम ने भी गाया था, जिसे फिल्म में तो शामिल नहीं किया गया लेकिन ऑडियो कैसेट में जरूर रिलीज किया गया था। काजल, काजल, तेरी आँखों का ये काजल, अगर हम साल 1991 की बात करें तो सनी देओल और संजय दत्त स्टारर एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था योद्धा। इसमें दो गाने अमित कुमार के और दो गाने कुमार शानू के थे, और एक गाना अमित कुमार और कुमार शानू ने एक साथ गाया था। दुर्भाग्य से ये पहली बार और आज तक आखिरी बार इन दो महान गायकों ने एक साथ किसी गाने के लिए प्लेबैक दिया था। इस गाने में महिला सह गायिका अनुपमा देशपांडे थीं। प्रिय दोस्तों, क्या कोई कृपया अपनी राय कमेंट करके बता सकता है कि 90 के दशक के इन दो महान गायकों ने इस गाने के बाद एक साथ क्यों नहीं गाया? कृपया कमेंट करके बताएं कि क्या इन दोनों गायकों ने इस गाने के अलावा कोई और गाना साथ में गाया है जिसका जिक्र हम यहां करना भूल गए हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया पता चला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। सभी प्रकार के दुर्लभ और दिलचस्प फिल्मी अपडेट के लिए जनता टॉकीज को आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जीना है तो।